दोस्त अब हम सीखते हैं एक सीट से दूसरी सीट में भी लुकअप कैसे यूज करें। चलिए हम सीखते हैं। हम सीट टू में वी लुकअप लगाना चाहते हैं और लुकअप डाटा हम सीट वन से करना चाहते हैं। चलिए हम सीखते हैं। इक्वल टू प्रेस करते हैं, वी लुकअप फॉर्मूला सेट करते हैं, टाइप प्रेस करते हैं, लुकअप वैल्यू में रोल नंबर वाले सेल सेट करते हैं, कॉमा। टेबल अरे के लिए हमें सीट वन पर जाना होगा और हम अपने टेबल को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और वापस से हम सीट टू में जाते हैं, कॉमा। नेम हमारा दूसरी कॉलम में है तो हमें दो लिखना होगा, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए हमें F4 सेट करना होगा और ब्रैकेट को क्लोज करना होगा, देन एंटर। आप देखते हैं आपको एनए का एरर मिला है, यहाँ पर कोई रोल नंबर नहीं है। हम वहाँ पे वन टाइप करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे एरर आ रहा है। चलिए हम देखते हैं। अब यदि आप फॉर्मूला डबल क्लिक करें तो आप देखते हैं कि यहाँ पर A2 के बाद यहाँ पे टू सीट टू सेलेक्ट है, जबकि हमें डाटा सीट वन से चाहिए, तो आपको यहाँ पे टू की जगह यहाँ पे वन करना होगा। और आप A2 को भी फ्रीज कर लीजिए जिससे कि आपका डाटा करेक्ट आए, और आप अपने सिलेक्शन को भी टेबल अरे को भी फ्रीज कर लीजिए F4 से, देन एंटर, आपको वैल्यू मिल जाएगी। हम फॉर्मूला को ड्रैग कर लेते हैं। अब आप देखते हैं कि आपको सभी कॉलम के अंदर राजी देखने को मिलता है। फॉर्मूले पर डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं हमें आपको सभी कॉलम में जाकर कॉलम नंबर चेंज करना होगा। यहाँ पे दो है तो आपको यहाँ पर तीन करना होगा। चलिए हम यहाँ पर तीन लिखते हैं, देन एंटर, आपको वैल्यू मिल रही है। इस प्रकार यदि आप इसकी वैल्यू चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करना होगा फॉर्मूले पर और कॉलम को दो की जगह यहाँ पर तीन करना होगा। यदि इस प्रकार आपको पास डेटा काफ़ी सारा हो तो आपको इसमें काफ़ी लंबा समय लग सकता है। चलिए दोस्तों हम इसे दोबारा कंट्रोल जेड से अंडू कर लेते हैं और अब हम यहाँ पर सीखते हैं कि अगर हमारे पास डाटा ज़्यादा हो तो हमें सभी सेल में जाकर कॉलम नंबर चेंज ना करना पड़े। उसके लिए हम सभी डाटा के अंदर राज देखने को मिलता है। हमें फॉर्मूले पर डबल क्लिक करते हैं, हमें कॉलम नंबर हमको चेंज करना होगा, तब जा कर के हम यहाँ पर सभी डाटा को ठीक कर सकते हैं। और यदि आपके पास कम डाटा है तो आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं, और यदि आपके पास 50-60 सेल है तो वहाँ पर आपको मैनुअली करने में काफ़ी लंबा समय लगेगा। कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह आप कॉलम फॉर्मूले को दे सकते हैं, सेलेक्ट कीजिए और टैब प्रेस कीजिए और रेफरेंस में आप पहली सीट में जाइए और जिस कॉलम के अंदर आप देना चाहते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर उस कॉलम के किसी भी सेल को सेलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन एंटर, और फॉर्मूले को अब आप ड्रैग कीजिए तो आप देखते हैं कि आपकी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। इस प्रकार आप अपने कितने भी लंबे डेटा को इजीली शॉर्टकट ट्रिक से वैल्यू का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो वैल्यू देंगे आपको वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पर उसकी वैल्यू दे देगा।